गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज हम सेवेंथ क्लास के अंदर वीडियो नंबर 10 करने वाले हैं मैथमेटिक्स का। हमारी एक्सरसाइज जो है वो 1.3 चल रही है। हम आज क्वेश्चन नंबर 3 से जो है स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। फॉर एनी इंटीजर ए व्हाट इज -1 इंटू ए इक्वल्स टू, यानी कि किसी भी इंटीजर ए के लिए -1 गुणा ए की वैल्यू क्या होगी। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आंसर क्या होगा इसका। जब भी आप किसी इंटीजर ए को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, -a आएगा। ठीक है, क्योंकि हम एक से किसी को भी गुणा करते हैं तो वापस वही संख्या आ जाती है, और क्योंकि ये माइनस का 1 है इसलिए माइनस का a जो है यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आप यहाँ पर देखिए आपसे क्या कह रहा है थर्ड क्वेश्चन में। डिटरमाइन द इंटीजर हूज प्रोडक्ट विद -1 इज। यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और आपसे कहा है इन्हें -1 से गुणा करके बताइए आंसर क्या आता है। तो देखिए इसका ए और सी आपको मैं बताऊंगी, बी जो है इसका आप खुद करेंगे। देखिए कुछ नहीं है, आपको बोला है -22 आपको दिया है और आपसे कहा है कि इसे -1 से गुणा करो। देखिए मैंने अभी आपको बताया -1 से आप गुणा करेंगे वापस यही वैल्यू आ जाएगी। सिर्फ -2 दो बार है। मैंने आपको कल भी बताया था कि जब भी सम संख्या होगी, माइनस की जो है चिन्ह है उनकी सम संख्या होगी तो हमेशा प्लस का ही निशान आएगा। -2 जो है प्लस हो जाएगा, दो बार माइनस है इस वजह से। सी देखिए 0, मैंने आपसे कहा था 0 जब भी कभी आ जाए कहीं पर भी तो उसका आंसर हमेशा 0 रहेगा मल्टीप्लाई के अंदर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है बेटा। स्टार्टिंग फ्रॉम -1 इंटू 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न्स टू शो -1 इंटू -1 इज इक्वल्स टू +1। आपसे कहा है कि आप स्टार्ट करो -1 इंटू 5 से और कहाँ तक पहुँचो, -1 इंटू -1 इज इक्वल्स टू +1 तक आप पैटर्न बनाइए। एक पैटर्न जब हम छोटे थे तो बहुत क्लासेस में जो है ना पैटर्न हमने बनाए हैं। यहाँ देखिए मैंने आपको कुछ पैटर्न बनाकर बताए हैं। आपको शुरू करना है -1 इंटू 5 से, जिसका रिजल्ट कितना आता है बेटा, माइनस का 5 आता है। क्लियर है। इसी तरीके से क्योंकि हमें पैटर्न बनाना है तो देखिए मैंने जो यहाँ पे पैटर्न बनाया है वो किस हिसाब से बनाया है, -1 इंटू 5, उसके बाद -1 इंटू 4, उसके बाद -1 इंटू 3, -1 इंटू 2, -1 इंटू 1। आ गए आप -1 इंटू 1 तक, यहीं तक तो आपको लाना था हमें। क्लियर है। अब इसके साथ साथ देखिए मैंने किया क्या है, -1 इंटू 5 -5 होता है, -1 इंटू 4 क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, अब आप इस 4 को ऐसे भी लिख सकते हैं -5 + 1 लिख सकते हैं, नहीं -5 में से +1 जाएगा तो -4 बचेगा। क्लियर। -1 इंटू 4 के बाद -1 इंटू 3 लिख दिया, इसका रिजल्ट जो है -3 आएगा। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे यहाँ -5 + 1 लिखा था तो यहाँ -4 और प्लस में क्या लिखेंगे आप यहाँ पर 1। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे लेस करते जाइए, -1 इंटू 5, -1 इंटू 4, -1 इंटू 3, -1 इंटू 2, -1 इंटू 1, -1 इंटू 0। अब देखिए यहाँ पे आपने लेस करा है और इसी तरीके से जो इसका प्रोडक्ट है उसमें जैसे हमने 4 के लिए लिखा था -5 + 1 तो -3 के लिखेंगे -4 + 1, 2 के लिए लिखेंगे -3 + 1, 1 के लिए लिखेंगे -2 + 1 और 0 के लिखेंगे -1 + 1। क्लियर है। इज इट अ पैटर्न, बस एक पैटर्न है ये जिसको आपको फॉलो करना है, इसके अलावा इसमें कुछ भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए क्या कह रहा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला है फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मैंने आपको बताया है, बार बार मैं आपको बताती हूँ, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज़। आपने जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं उन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कीजिए और यहाँ पर क्या कीजिए जो है आप प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई का आंसर यहाँ पर बताइए। देखिए इसके कुछ दो क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ, उसके अलावा आपको मल्टीप्लाई करना है सिंपल तो आप खुद ही करेंगे। जैसे इसका ए देखिए 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू -36। देखिए यहाँ प्लस आ रहा है, ये मल्टीप्लाईज हैं, दो सेक्शन हो गए तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ पर देखिए माइनस है ये प्लस है, मल्टीप्लाई होगा तो आंसर माइनस में आएगा। यहाँ पर ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा। क्लियर है।
आपने 26 और 48, 26 और 48 मल्टीप्लाई कीजिए, 1248 आएगा, और 48 और 36 आप मल्टीप्लाई कीजिए, 1728 आएगा। अब आप यहाँ से देखिए, ये डिजिट प्लस की है, ये डिजिट माइनस की है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आया 480, और प्लस की संख्या बड़ी है इसलिए प्लस का आप चिन्ह यहाँ पर लगाएंगे। क्लियर है? इसी में एक और क्वेश्चन है एफ, वो आप देखिए क्या कह रहे हैं। 7 इंटू ब्रैकेट के अंदर 50 माइनस 2, हमने बोर्ड मास पढ़ा है तो यानी कि हमें ब्रैकेट सबसे पहले जो है सॉल्व करना है। 50 माइनस 2 कितना होता है? 48, और 48 को आप 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा? 336 आएगा। क्लियर है? जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें ऐसे ही जो है बहुत सारे मल्टीप्लाइज हैं, तो इन्हें आप करेंगे खुद और अपनी CW नोटबुक के अंदर इन्हें करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप लोग, 6 इंपॉर्टेंट है। अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स दैट रूम टेम्परेचर बी लोअर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेंटीग्रेड एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेंटीग्रेड एवरी आर। वो कहा है कि एक निश्चित जमाव प्रक्रिया के तहत, यानी कि आपको फ्रीजिंग करना है, ठंड में जमानी है कोई चीज़, तो उसके लिए रूम टेम्परेचर के लिए ये कहा गया है कि 40 डिग्री टेम्परेचर पर अगर रूम है तो 40 डिग्री टेम्परेचर पर उस रूम को हर घंटे, एवरी आर, हर घंटे 5 डिग्री कम किया जाए, लोअर किया जाए, यानी और ठंडा किया जाए। नीचे जाएगा टेम्परेचर तो ठंडा होगा, तो आपसे कहा है हर घंटे में 5 डिग्री और कम किया जाए। व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगन। और जब ये प्रोसेस बिगन होगा 40 डिग्री से हर घंटे 5 डिग्री टेम्परेचर कम करने का, तो 10 घंटे बाद जो है टेम्परेचर क्या होगा, तो ये आपसे यहाँ पर कहा गया है। देखिए आपको कहा रूम टेम्परेचर 40 डिग्री है, और आपसे ये भी कहा रेट ऑफ डिक्रीजिंग, यानी कि रेट जो है टेम्परेचर कम करने की, वो क्या है? 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ, यानी 5 डिग्री जो है कम हो रहा है। कम होने के लिए मैंने यहाँ पे एक ब्रैकेट में माइनस साइन लगाया, जिससे आपको ये पता चले कि ये ना टेम्परेचर कम हो रहा है, ठीक है? तो 10 घंटे बाद आप बताइए कितना कम हो जाएगा? 50 डिग्री कम हो जाएगा। इसे भी आप माइनस में रखिए, क्योंकि यहाँ पे कम हो रहा है टेम्परेचर। और जब 10 घंटे बाद का आपको टेम्परेचर लगाना है, तो पहले टेम्परेचर 40 था, अब टेम्परेचर 50 है, पहले वाले में से बाद वाले को माइनस कर दीजिए, यानी कि अब जो टेम्परेचर होगा वो कितना है? -10 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि अब जो है कमरा काफ़ी ठंडा हो चुका है। क्लियर है? इसके आगे देखिए, इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, अभी के लिए इतना ही जो है काफ़ी है, इसमें हम आगे जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वीडियो में कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और CW कंप्लीट कीजिए। थैंक यू।